अस्सलामुअलैकुम माई लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप सुबह सुबह देख रहे होंगे मेरी सवारी कहाँ जा रही है। हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ, और जनाब वहाँ पहुँचते ही हमारा इस्तकबाल हुआ एक टेस्टी डिलीशियस मज़ेदार नाश्ते से। और अम्मी ने बनाई थी आलू की भुजिया, जो कि थोड़ी सिंपल रखी थी क्योंकि बच्चों को मिर्चों वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस हमने पहुंचते ही बस ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आपको पता है माएँ तो फिर बच्चों के आगे सब चीज़ें ही रखती रहती हैं, उनका दिल नहीं बढ़ता। उसके बाद चाय का दौर लग रहा था, क्योंकि चाय ना हो और मेहमान हो और चाय ना हो ऐसा कहाँ मुमकिन है। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ट्रीट, ज़ाहिर है नानियों दादियों का तो दिल ही नहीं बढ़ता बच्चों को ट्रीट्स देने से। तो बच्चों ने ज़ाहिर इतना खाया भी नहीं, तो उनके लिए कुछ नगेट्स फिर फ्राई कर लिए गए थे, तो बच्चों ने वो लिए। उसके बाद बस अब उसके बाद हम अब बैठे थे सुकून से। मैं अपना चाय का कप मुझे मेहमानों की तरह पेच के साथ चाय सर्व की गई थी, और हम बैठे और गपशप लगा रहे थे। तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह दिन गुजरने वाला है, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं हम। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अम्मी का ये जो गार्डन है वो, यहाँ पे जो उन्होंने पहले वेजिटेबल्स लगाई हुई थी, शायद मैंने किसी और वीडियो में दिखाई थी, वो उन्होंने हटवा दी है क्योंकि बारिश वगैरह से, और वैसे भी सीज़न ऑफ हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे पौधे हटवा के बस कुछ बड़े प्लांट्स ही रहने दिए थे। तो बाकी यहाँ पे उन्होंने ये छोटे छोटे जो बीज हैं कुछ वो लगवा लिए हैं, कोई नई सब्जियों के। एक न्यू एडिशन है ये, सोलर लाइट्स उन्होंने यहाँ पर लगाई है, मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। ये सोलर लाइट है, ये शाम को ऑटोमेटिकली जैसे अंधेरा होता है ख़ुद से ही ऑन हो जाती हैं। मौसम आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, लेकिन वही बात है कि मुझे लग रहा था शायद बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन आसपास मुझे लगा था सिटी में कहीं बारिश हुई है। तो जिस एरिया में मैं थी यहाँ पे सुना था कि मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, सुना था बाकी जगहों पे होगी, लेकिन यहाँ बस बादल आए थे और अपनी झलक दिखा के चले गए थे और बारिश नहीं हुई थी। एलोवेरा प्लांट माशाल्लाह पहले से काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया, और मेरी बहुत नीयत है कि मैंने इसमें से काफ़ी कुछ लेके जाना है। उसके बाद मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो एक अमरूद है, जो उनका एक घर का ही पौधा है, एक अमरूद का भी पौधा लगा हुआ है, तो उस पर काफ़ी फल आया हुआ था, तो वही मैंने कहा तोड़ूँ, क्योंकि इस मौसम में अमरूद जो है बहुत मीठे थे, जो ग्रीन ग्रीन है वो तो अभी मैंने नहीं तोड़े थे। ज़ाहिर है मैं चेक कर रही थी ऑर्गेनिक है, और कोई ख़ास ये लोग जो है खाद वगैरह नहीं ऐड करते, तो इसलिए जो अमरूद है उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से अमरूद यहाँ पे लगे हुए थे, मैं उसी को चेक कर रही थी और देख रही थी कि अगर कोई पक्का अच्छा अमरूद है तो मैं तोड़ लूँ। तो एक दो ही ग्रीन और येलो मिक्स से कुछ अमरूद थे जो मैंने तोड़े, बहुत मज़े का उनका टेस्ट था। और वही बात है कि ठीक है साइज़ छोटा था लेकिन फ्रूट का टेस्ट बहुत मज़े का था। तो जो एक दो जो बस मुझे लगे कि इनको अब तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक है ये, इनका साइज़ इससे ज़्यादा नहीं ग्रो करेगा और मोर लेस इसी ही साइज़ में रहेंगे और इसी में ही येलो होना शुरू हो जाएंगे। तो बस जो मुझे लगा कि राइप हो चुके हैं, और इनके एक और भी चीज़ है, तोड़ने से पता चल रहा था कि ये पक चुके हैं, इजीली हाथ में आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सा एक अमरूद था जो मैंने तोड़ा। उसके बाद ये यहाँ पे मिंट लगा हुआ, इसी की हमने शाम को जो है रात को खाने के साथ चटनी भी बनाई थी जो बहुत मज़े की बनी थी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना यहाँ पर लगाया हुआ। बस मैं इधर उधर फिर रही थी, जो माहौल है इनके एरिया का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, काफ़ी क्लीन है। तो मैं बच्चों को बाहर सामने लॉन है, लॉन ही पार्क है सॉरी, वहाँ लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चे थोड़ा सा खेल लें, क्योंकि बाहर हम बच्चों को जब लाते हैं तो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो बस वो ओपन जगह पे ज़रा क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, तो बस मैं उनके साथ साथ उधर फिर रही थी और नेचर को एक्सप्लोर कर रही थी। भाभी बना रही हैं चिकन बिरयानी, तो उसमें थोड़ा लेट हो गई थी कैप्चर करने के लिए, मैं अंदर फ़ोन पे बात कर रही थी, तो बस ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इसका प्रोसीजर, वही प्याज और लहसुन अदरक डाल के स्टार्ट हो गया था। ये भी डालने हैं ना, ये प्याजों के बकाया ज्यादा जो डाल चुके और ये टोमेटो सब जाने हैं उसमें। तो बस यहाँ पे उन्होंने प्याज और लहसुन अदरक डाल के, और साथ उन्होंने यहाँ पे चिकन डाल के, कह रही थी थोड़ा ज़ीरा डाला है, और ये उन्होंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी थी। बावजूद दोबारा से ख़राब हो गया, फातिहा पढ़ ले। बच्चों की वजह से वैसे भी बिरयानी में जो है आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये दो बड़े साइज़ के आलू जा रहे हैं यहाँ। बड़े बड़े रखोगी ना? काफ़ी है। हाँ
हाँ नहीं इतना ठीक है, लेकिन सेंटर से हाफ करोगी? सच अ बिग पोटैटो। तो बस यहाँ पे बिरयानी पे डालने के लिए दो जो एक बड़े साइज का जो है पोटैटो, देखिए कितना ह्यूज इसका साइज है, ये ले लिया था और इसको बड़ा बड़ा ही हमने रखा था, बिरयानी में बड़े ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद माशाल्लाह राइस काफ़ी ज़्यादा थे तो ये हमने लिए थे तकरीबन 3 गिलास थे बड़े वाले, तो इसीलिए आलू फिर बाद में एक और भी ऐड कर लिया था हमने बिरयानी के लिए। तो बस भाभी साथ साथ बना रही थी तो मैं उनकी बस थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, असल तो कुकिंग वही कर रही थी, तो बस उनकी वो ऐसे कुकिंग बहुत अच्छी है। यहाँ नेशनल का मिसाला 1.5 डेढ़ हमने मिसाला जो है एक पूरा और एक आधा डाला था, तो ये देखिए बिरयानी मिसाला जो है ना वो डाला था हमने क्योंकि एक जो है वो कम पड़ रहा था। तो साथ अब इसमें यहाँ पे पोटैटोज़ ऐड होंगे, मैंने आपको जैसे बताया लाइट ख़राब थी तो अंधेरा लग रहा है, हालांकि कल परसों मम्मी ने बताया ठीक की है। तो यहाँ पे आलू भी अब ऐड हो गए हैं क्योंकि आलूओं को टेंडर होने में टाइम लगता है, तो वो साथ ही बुनाई होने के साथ साथ ऐड कर दिए थे। अब ये बिरयानी मसाला भी इसमें चला गया है तो ये साथ चला जाएगा ताकि साथ साथ जो है बस कुक होता रहे। चिकन काफ़ी हद तक असल में भुनी फ्राई हो गया था, उन्होंने कर लिया था, इस वजह से बस अब बिरयानी मसाला ऐड हो गया। तो बस अब यहाँ पे वो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही है ताकि जो सारे मिसाले हैं वापस में यकजान हो जाएं, आलू में गोश्त में हर चीज़ में जो है मिसालों का टेस्ट आ जाए। ये उन्होंने 2-3 बड़े बड़े टमाटर लिए थे डालने के लिए, उसमें टमाटर हम उन्होंने ऑलमोस्ट एंड पे डाले थे, ज़्यादा पहले नहीं डाले थे। और ये राइस बॉयल हो रहे हैं, राइस में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, साथ ही उन्होंने पुदीना भी ऐड कर दिया था। और ये लेयरिंग के लिए उन्होंने ना लेमन कट किया और ये टोमेटोज़ बच गए हैं जो कि लेयरिंग में हमने ऐड किए थे। ये देखिए यहाँ पे बहुत खुशबूदार राइस बॉयल हो रहे हैं और मिंट भी उन्होंने साथ ही ऐड कर दिया है जो कि बहुत अच्छा उस मिंट का ना फ्लेवर आया था राइस में। मुझे अम्मी की ये बास्केट बहुत अच्छी लगी है, ये देखिए ना स्टैंड की तरह है तो ये पूरे वॉश बेसिन पे जो सिंक होता है बर्तनों वाला उस पर आ जाती है तो आप इजीली स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे चटनी के लिए देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं और धनिया है और जो गार्डन का मिर्च था वो लिया हुआ था, तो ये हमने बाद में चटनी बनाई थी बिरयानी के साथ। ये दूध और पानी डाल के जो है ना फूड कलर येलो ये वो मिक्स करके रखा हुआ था बिरयानी में ऐड करने के लिए। तो जनाब अब एक बड़े से देचके में सबसे नीचे हमने देसी घी थोड़ा सा डाल के उसके बाद जो है वो राइस की लेयरिंग स्टार्ट कर दी थी बिरयानी और जो मटेरियल है उसकी। अब ये सेंटर जब हाफ़ हुआ था ना, मतलब हाफ पोर्शन आया है, तो हमने टमाटर और ये जो लेमन है और लेमन के जो पीसीज हैं आप वो डाल दिए, बाकी इसके ऊपर दोबारा से हमने राइस और चिकन डाल के और उसके बाद एड पे ये सेंटर में रहा तो इससे अच्छा बहुत जूसी वो अच्छे सॉफ्ट हो गए थे और लेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। अब इसके ऊपर सारी जो है चिकन की लेयरिंग कर दी राइस की और ये देखें फूड कलर डाल दिया था। 15 मिनट दम के बाद अब हमारे जो है देखिए बिरयानी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। लेकिन ये कि स्पाइसी हमने मीडियम रखी थी क्योंकि बच्चों ने भी खानी थी, तो वैसे नॉर्मली हम इससे भी ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसी रखती है। जज़ाकअल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने मतलब हमारे लिए बनाया था डिनर, बहुत मज़े का था। उसके बाद जनाब हम जा रहे हैं बाहर। डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, तो बेशक जगह पुरानी हो लेकिन जब हम मिलजुल के बाहर निकलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। आज हमने डाइन आउट नहीं किया था क्योंकि घर में बहुत मज़े की डिलीशियस ज़बरदस्त सुपर्ब सी बिरयानी तैयार हो चुकी थी और वही हम खा के आए थे। तो बस यहाँ हमने बच्चों को थोड़े बहुत कुछ स्नैक्स नहीं दिए थे तो बस हमने हमारी आज यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे और इन्जॉय करेंगे और ज़्यादा खाने पीने की टेंशन को नहीं पालेंगे। असल में मिलजुल के बाहर निकलने का मकसद शॉपिंग और उससे ज़्यादा बस होता है इकट्ठे थोड़ा इन्जॉय करना और टाइम स्पेंड करना। शॉपिंग तो जाहिर है ऑफ एंड ऑन हर वक्त होती ही रहती है, तो बस टाइम इकट्ठे स्पेंड करना था। उसमें जो एक और इंटरेस्टिंग बात थी कि आज हम लोग दो पार्टीज में डिवाइड हो गए थे,
बड़े एक तरफ थे और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेरे पे थी, सारे बच्चे मेरे पास थे और आज मैं बच्चों को लेके पूरा मैंने उनको यहाँ पे घुमाया फिराया और बहुत उनको रोम अराउंड कराया और डिफरेंट चीज़ें, बस ज़्यादा विंडो शॉपिंग ही की थी, ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की। उसके बाद बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न्स लेके दिए बच्चों और मैंने, हम सब ने मिलजुल के बहुत शौक से पॉपकॉर्न्स वगैरह खाए, बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा टाइम हमने गुजारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अच्छा खाना सब कुछ खाया, वो कुछ स्नैक चीज़ें होगी, कुछ ऐसी होती है कि जब तक बच्चे जो है ना एक दूसरे से लड़ झगड़ के, हम भी जब बच्चे थे और हम कज़न्स थे तो हम लोग एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे और लड़ झगड़ के एक दूसरे से चीज़ें स्नैच करके खाते भी थे, उसका एक अपना मज़ा होता है। और ये टाइम मैं समझती हूँ कि अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि हमने अपना ये टाइम अपने फैमिली कज़न्स के साथ, चचाजाद मामूजाद फुफीजाद के साथ बहुत ज़्यादा गुजारा है। हमारी समर वेकेशन तो हमेशा इसी तरह गुजरती थी और हमारी माँ को कोई पता नहीं होता था, हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते थे और बहुत खेलते थे, लड़ते थे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तो अभी भी मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को इस तरह का टाइम ज़रूर, लेकिन ऑब्वियसली पहले से हालात चीज़ें चेंज हो गई हैं तो बच्चों को अपने सुपरविजन में रख के ये सब चीज़ें इंजॉय करानी चाहिए। और अपने अंदर से जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि बच्चे ऑब्वियसली जब साथ रहते हैं तो लड़ते झगड़ते भी हैं। उसके बाद बच्चों को मैंने यहाँ थोड़ा बिठा दिया था और यहाँ पे ब्रेकआउट ईस्ट में आई थी, थोड़ा सा मैंने कहा एक्सप्लोर करूँ, अच्छी थी चीज़ें, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, बस ठीक थे। एक बहुत अच्छा डे स्पेंड करने के बाद हम लोग बस घर को रवाना है, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।